अगर गुड्स का लॉस हो जाता है तो उस गुड्स का अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस क्लेम कैसे लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करती है कैसे कंपनसेशन डिसाइड करती है कि एज अ क्लेम इतना कंपनसेशन उस बिजनेस को देना है तो इस क्वेश्चन में हम वो कैलकुलेशन सीखेंगे कि हाउ कंपनी विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ़ क्लेम एज अ कंपनसेशन गिवन टू द बिजनेस So uh, let's start the question. In this question, there is written a premises of a company were destroyed by fire on 15th of September 2018. 15th September 2018 me premises may aglagi or following informations are given. फ़र्स्ट अप्रैल 2017, दैट मीन्स जिस ईयर आग लगी है आग तो लगी फिफ्टीन ऑफ सितंबर 2018, दैट मीन्स ईयर वो अकाउंटिंग ईयर बिगिन हुआ होगा फ़र्स्ट अप्रैल 2018 को और इसमें ओपनिंग स्टॉक जो गिवन है उसके भी पिछले साल का गिवन है दैट इज़ फर्स्ट अप्रैल 2017, और क्लोजिंग स्टॉक भी हमें गिवन है थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एटीन का थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एटीन का जो क्लोजिंग स्टॉक है सेवनटीन एटीन का जो क्लोजिंग स्टॉक है इट इज़ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एटीन एंड परचेज ऑफ लास्ट ईयर इज ऑल्सो गिवन सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इज़ गिवन परचेज गिवन है जिस ईयर आपके आग लगी है वो ईयर बिगिन हो रहा था अकाउंटिंग ईयर फर्स्ट अप्रैल 2018 और आग लगी है फिफ्टीनथ ऑफ सितंबर 2018 तो उस अकाउंटिंग ईयर में आग लगने तक की तारीख तक की परचेज़ और सेल्स आपको प्रोवाइडेड है एक और पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ हमने रिटर्न ऑफ किए थे स्टॉक में से क्योंकि वो पोअर सेलिंग लाइन के प्रोडक्ट्स थे पोअर सेलिंग लाइन का प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे गोडाउन में मान लो कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी फायर लगने से पहले भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो डैमेज थे तो कई बार क्या होता है कुछ पेरिशेबल थिंग्स हैं जो पड़ी पड़ी आपके डैमेज हो जाती हैं तो समटाइम्स गोडाउन में नॉर्मल गुड्स के भी स्टॉक होता है और पुअर लाइन का भी स्टॉक होता है दैट इज़ कॉल्ड डैमेज गुड्स और यू कैन से एबनॉर्मल गुड्स तो गोडाउन में पहले से ही कुछ ऐसा पोअर सेलिंग लाइन के प्रोडक्ट्स थे और उसके लिए हमने ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ रिड्यूस कर दिए थे ऑलरेडी ही बैलेंस शीट से ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एटीन को दैट मीन्स थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन को जो आपने स्टॉक कैलकुलेट किया है दैट इज़ ये सेकेंड वन जो बता रखा है इसमें ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ ऑलरेडी रिटर्न ऑफ कर रखे हैं और आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है लाइन में वैसे जो ये पुअर सेलिंग लाइन की जो स्टॉक था वो फोर थाउजेंड रुपीज़ का था लेकिन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ हमने उसके रिटर्न ऑफ कर रखे थे थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एटीन के स्टॉक में से फिर वो बता रहा है इस पुअर लाइन सेलिंग लाइन के जो प्रोडक्ट्स थे उसमें से कुछ स्टॉक जो है जो दो हज़ार रुपये की कॉस्ट का था उसको फाइव हंड्रेड रुपीज़ के लॉस पर हमने जून टू थाउजेंड एटीन में सेल आउट किया और नेक्स्ट बता रखा है कहता है जो रेस्ट ऑफ द स्टॉक है उसको हम ओरिजिनल कॉस्ट पर ही वैल्यूएट कर रहे हैं और इसके बाद इन्होंने ये भी लाइन बताई कि जीपी रेट जो है वो यूनिफॉर्म रेट रहा है थ्रू आउट दी लाइफ ऑफ़ दी कंपनी कि जो लास्ट ईयर का जीपी रेट था वही इस साल का जीपी रेट है और डिस्ट्रॉय जो हुए हैं गुड्स बाय द फायर उसमें से फाइव थाउजेंड रुपीज़ का स्टॉक सेव हो चुका है और हमने पॉलिसी जो करवाई थी गुड्स के इंश्योरेंस जो करवाया था वो थर्टी थाउजेंड रुपीज़ का करवाया था अब हमें अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करना है कि इंश्योरेंस कंपनी कैसे अमाउंट ऑफ क्लेम कितना हमें देगी और इंश्योरेंस कंपनी कैसे कैलकुलेट करेगी नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट इन फर्स्ट स्टेप स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर निकालने के लिए हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा मेमोरेंडम क्यों वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये विदिन अ ईयर आप बना रहे हो क्योंकि हमें ये स्टॉक निकालना है कि एट द डेट ऑफ फायर अब फायर तो लगी है फिफ्टीन सितंबर को तो अभी अकाउंटिंग ईयर ख़त्म नहीं हुआ पहले ही आग लग गई तो अगर आप पहले आग लगी तो आप कलेक्शन करोगे बिजनेस से कि क्या क्या स्टॉक पड़ा था एक एज अ यादगार अकाउंट बन रहा है ये इसलिए दैट्स वाई वी कैन से मेमोराइज रख रख के हम जो इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट की हैं तो विद इन अ ईयर बना रहे हो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट उसी अकाउंटिंग ईयर का बनेगा जिस ईयर में आग लगी है अब आग तो लगी है 2018 में 15 सितंबर। तो 15 सितंबर 2018 तक का आप ट्रेडिंग अकाउंट ये बनाएंगे लेकिन ये स्टार्ट कब हो रहा है अकाउंटिंग ईयर फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2018 को तो ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2018, थाउजेंड दैट मीन्स बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इन विच फायर अक्ड टू 15 सितंबर 2018, जिस दिन आपके आग लगी है तब तक का आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए डेबिट साइड में फर्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर्स जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स uh, को रिकॉर्ड करेंगे और फर्स्ट जो कॉलम होगा वैसे तो अमाउंट का देखो एक ही सिंगल कॉलम बनता है बट इसमें नीचे पैराग्राफ जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि पैराग्राफ में नीचे दे रखा है कि कुछ स्टॉक 31 मार्च 2018 हज़ार में कुछ स्टॉक फोर थाउजेंड रुपीज़ का था जो पुअर सेलिंग लाइन का था कभी भी अगर गुड्स बता रखे हों कि पुअर सेलिंग लाइन के हैं तो हमें अपने गुड्स की दो कैटेगरीज रखनी पड़ेंगी एक तो नॉर्मल गुड्स की और एक पुअर सेलिंग गुड्स की और वी कैन से एबनॉर्मल गुड्स की या डैमेज गुड्स की तो नॉर्मल गुड्स का हमने कॉलम बना लिया एक हमने पुअर सेलिंग लाइन प्रोडक्ट्स का कॉलम बनाया जिसको आप डैमेज के नाम से भी लिख सकते हो पुअर सेलिंग लाइन प्रोडक्ट्स के नाम से लिख सकते हो या एबनॉर्मल के नाम से कॉलम बना सकते हो एंड थर्ड इज़ टोटल वन तो डेबिट साइड में हमने अमाउंट के थ्री कॉलम्स बनाए लाइक दिस हम क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स नॉर्मल एबनॉर्मल एंड टोटल का कॉलम बनाएंगे अब हम बात करेंगे इसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट में देखो मेन क्या क्या आइटम्स आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आएगा जिस ईयर के बिगिन में हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ से हम शुरू करना जा रहे हैं हम फर्स्ट अप्रैल 2018 से तो फर्स्ट अप्रैल 2018 को क्या ओपनिंग स्टॉक था और फर्स्ट अप्रैल 2018 से लेकर आग लगने तक की तारीख़ हमने कितनी परचेज़ की दैट मीन 15 सितंबर 2018 तक हमने कितनी परचेज़ की और फर्स्ट अप्रैल 2018 से 15 सितंबर 2018 तक हमने कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आउट किए वो भी ट्रेडिंग के डेबिट में आते हैं बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन इन दी क्वेश्चन सो हमने नहीं लिखा और हमने जो गुड्स सेल आउट किए हैं सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आती है कि हमने फ़र्स्ट अप्रैल 2018 से आग लगने तक की तारीख तक की दैट मीन्स 15 सितंबर 2018 तक हमने कितनी सेल कर दी वो भी हम लिखते हैं क्रेडिट में और उस सेल पर हमने जो प्रॉफिट ऑन किया है दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट भी हम डेबिट में यहाँ मेंशन करेंगे और बैलेंसिंग फिगर से हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल जाता है ठीक है अगर प्रॉफिट है सेल पर तो इट कम्स अंडर द डेबिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट लेकिन लॉस है अगर सेल पर इट कम्स अंडर क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस लॉस और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है एट दी डेट ऑफ आयर दैट मीन 15 सितंबर 2018 जब आग लगी तो स्टॉक कितना पड़ा था गोडाउन में वो हम डेबिट साइड का टोटल करके क्रेडिट साइड में माइनस करके निकाल सकते हैं ये तो हमने बात की आइटम्स पे अब हम वन बाय वन ये आइटम्स पुट करेंगे इसमें लेकिन इसको पुट करने के लिए हमें क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग स्टॉक गिवन है फर्स्ट अप्रैल 2018 का सेल्स भी गिवन है परचेज भी गिवन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन तो उसे हम लीव कर सकते हैं ग्रॉस लॉस इज ऑल्सो गिवन अभी बताऊंगी कैसे कहाँ गिवन है लेकिन एक हमें रेट ऑफ जीपी इज नॉट गिवन बट उसने लास्ट में एक लाइन लिखी है कि रेट ऑफ़ जी पी रिमेन सेम थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म रेट है जितना हम लास्ट ईयर अर्न कर रहे हैं उतना ही हम इस ईयर भी रेट ऑफ जी पी कमा रहे हैं ऑन दी सेल्स तो रेट ऑफ जी पी हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो रेट ऑफ जी पी हम निकालने के लिए लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट हम कैसे बनाएंगे ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड हेयर डेट इज़ नॉट मैंशनड आप मैंशन कर लीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड क्योंकि देखो सॉरी टू थाउजेंड एटीन क्योंकि देखो ये आपका जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है ये फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एटीन से आग लगने तक की तारीख तक का बन रहा है तो लास्ट ईयर इसका क्या होगा सेवनटीन एटीन दैट मीन्स फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सेवेंटीन को ईयर बिगिन हुआ और ईयर uh, एंड हो रहा है लास्ट थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एटीन को तभी ये नेक्स्ट ईयर फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एटीन से बिगिन हुआ तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट अगर हमें लास्ट ईयर का बनाना है तो आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एटीन क्लियर तो थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एटीन सत्रह अठारह का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे सतारह अठारह का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए वही आइटम देखो डेबिट में आ रही हैं ओपनिंग स्टॉक परचेज कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लास्ट ईयर में हुई हैं वो भी डेबिट में आ जाएंगे अगर सेल हुई है तो क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक है तो क्रेडिट में और क्रेडिट का टोटल करके डेबिट माइनस करके हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं लास्ट ईयर का तो लास्ट ईयर की पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे क्योंकि ये बनाए बिना आप रेट ऑफ़ जी जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते और इस वाले अकाउंट को पूरा नहीं कर सकते तो इसको अभी हमने शुरू नहीं किया है सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द लास्ट ईयर जो एंड हो रहा है थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एटीन को तो इसके लिए देखो क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में अब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं जो ईयर एंड हो रहा है थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एटीन को दैट मीन्स वो बिगिन हुआ होगा फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सेवनटीन में तो फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सेवनटीन का ओपनिंग स्टॉक इज गिवन थर्टी थाउजेंड इट कम्स अंडर दी डेबिट साइड लाइक दिस पूरे साल की आपको देखो परचेज़ भी गिवन है इन थर्ड टू लैख रुपीज़ और सेल्स भी गिवन है टू लैख ,00 फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ तो आपकी परचेज आ जाएगी डेबिट में टू लैख ,00 और सेल्स आ जाएगी क्रेडिट में टू लैख फिफ्टी थाउजेंड अब देखिए लास्ट ईयर का आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एटीन का फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ तो आपका ये जो क्लोजिंग स्टॉक है फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ एक बार मैं इनर कॉलम में लिख रही हूँ क्योंकि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में दे रखा है कि थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एटीन का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें पच्चीस सौ रुपये रिटर्न ऑफ़ कर चुके हैं हम रिटर्न ऑफ़ करने का मतलब इसमें ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ हमने माइनस कर रखे हैं लेकिन हमें कॉस्ट पे ही क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना होता है उसको कम या ज़्यादा पे हम वैल्यूशन नहीं कर सकते हैं तो इसमें से अगर हमने पच्चीस सौ रुपये पहले ही रिटर्न ऑफ कर रखे हैं या काट रखे हैं तो आप इसमें इसको एड बैक करेंगे फोर्टी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ़ क्लोजिंग स्टॉक एट थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू एटीन को स्टॉक कितना आ जाएगा फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ इस साल का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा ओपनिंग तो देखो मैंने यहाँ पर भी फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटल कॉलम में लिखा है एज अ ओपनिंग स्टॉक इन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि वो बिगिन हो रहा है फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड एटीन को तो वो थर्टी फर्स्ट ऑफ़ मार्च टू थाउजेंड एटीन का जो क्लोजिंग है दैट बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एटीन क्लियर अब ये देखिए ये हमने फोर्टी थाउजेंड में ट्वेंटी फाइव हंड्रेड जो इन्होंने रिटर्न ऑफ़ किया था ना रिटर्न ऑफ़ का मतलब है इन्होंने आ, ये देखो आपको दोबारा से मैं ये लाइन रीड करवा रही हूँ लिखा हुआ है फ़र्स्ट लाइन में पैराग्राफ की कि पच्चीस सौ रुपये पुअर सेलिंग लाइन के कुछ प्रोडक्ट्स थे जिनकी कॉस्ट तो थी चार हज़ार की बट पच्चीस सौ रुपये हमने रिटर्न ऑफ कर रखे हैं उसके स्टॉक में से थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एटीन के स्टॉक में से तो थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एटीन के क्लोजिंग स्टॉक में से हमने जो पच्चीस सौ रुपये रिटर्न ऑफ़ कर रखे हैं तो रिटर्न ऑफ का मतलब है काट रखे हैं माइनस कर रखे हैं तो हम इसको वापस से इसमें एड बैक कर देंगे ये देखिए क्योंकि हमें एक्चुअल उसकी कॉस्ट चाहिए क्लोजिंग स्टॉक की तो एक्चुअल कॉस्ट आ गई फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ तो ये एक्चुअल जो कॉस्ट आई है फोर्टी टू फाइव हंड्रेड ये क्लोजिंग स्टॉक है थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एटीन का तो ये फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एटीन का ओपनिंग बन गया ठीक है अब इसमें से देखो चार हजार का उसने बोला था कि पुअर सेलिंग लाइन प्रोडक्ट की कॉस्ट थी तो हमें यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट लिखनी है कि फोर्टी टू फाइव हंड्रेड में चार हजार का माल क्या था पुअर सेलिंग लाइन का था मतलब डैमेज था तो इसमें डैमेज थे चार हजार के माल तो इसका मतलब सही वाला माल कौन सा था नॉर्मल गुड्स का स्टॉक कितना था फोर्टी टू फाइव हंड्रेड में से हम माइनस कर देंगे फोर थाउजेंड दैन वी गॉट थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ का स्टॉक किसका था नॉर्मल गुड्स का जो सही थे गुड्स ठीक है तो साथ साथ हम इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हैं और दोनों अकाउंट में फिल करते जाएंगे अब देखिए हमने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया परचेज लिख ली ट्रेडिंग में सेल्स लिख ली क्लोजिंग स्टॉक भी ठीक करके लिख दिया अब क्रेडिट साइड का आप टोटल करेंगे इट कम्स टू लैख नाइन्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और ये दोनों आइटम माइनस करेंगे देन वी गॉट जीपी ऑफ द लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बाई बैलेंसिंग फिगर अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड कितने की सेल पे आपने ऑन किया टू लैख फिफ्टी थाउजेंड की सेल पर तो जब रेट ऑफ जीपी हमें निकालना होता है इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी सेल्स तो आप रेट ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे जी पी अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड तो जी पी है सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड अपॉन सेल्स दैट इज़ टू लैक फिफ्टी थाउजेंड इन टू हंड्रेड दैन वी गॉट द रेट ऑफ जी पी ट्वेंटी फाइव परसेंट तो लास्ट ईयर का जो रेट ऑफ जी पी था इट इज़ एप्लीकेबल थ्रू आउट दी लाइफ ऑफ द कंपनी दैट मीन्स अभी तक तो इसका यही यूनिफॉर्म रेट चल रही है यही जी वो ऑन कर रहा है सेल्स पे. तो इस साल भी हम परसेंट ही करेंगे अब किस पे करेंगे वो भी बात करते हैं तो ये तो अभी तक हमने बात की रेट ऑफ जीपी पे अब हम जिस दिन आग लगी है आग लगने तक की तारीख तक का उस ईयर का हम मेमरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के अट सितंबर को जो स्टॉक गोडाउन में पड़ा था वो कैलकुलेट कर लेंगे स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर तो अभी तक तो हमने सिर्फ यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखा था जो कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग था अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है की परचेज़ दे रखी है फर्स्ट अप्रैल 2018 से 15 सितंबर तक की परचेज़ और यहाँ तक की ही सेल्स भी प्रोवाइडेड हैं हमें तो हमने देखो परचेज़ हमेशा ध्यान रखना इफ़ नथिंग इज़ मैंशन तो हम नॉर्मल गुड्स की ही परचेज़ करते हैं डैमेज गुड्स को कभी हम खरीदते नहीं हैं खुद अपनी तरफ से तो परचेज़ कर लिया हमने 85,000 के गुड्स नॉर्मल एब नहीं है तो यही टोटल 85,000 के यहाँ आ गए सेल्स कम्स अंडर दी क्रेडिट साइड अब टोटल सेल हमने की है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड की तो हमने टोटल में लिख दिया इसमें डैमेज गुड्स की सेल कितनी है नॉर्मल की कितनी है वो हमें नहीं पता तो वो अभी हमें सेग्रीगेशन नीचे पैराग्राफ में बता रखा है पैराग्राफ में बताया है कि इसी ईयर में जून में 2018 में हमने पुअर सेलिंग लाइन के जो प्रोडक्ट्स थे दो हज़ार रुपये के उसको फाइव हंड्रेड लॉस पर सेल आउट कर दिया दैट मीन्स लॉस हुआ है ना इस पर तो लॉस कम्स अंडर दी क्रेडिट साइड हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता तो हम लिखते यहाँ पे डेबिट में लेकिन लॉस हुआ है तो वी राइट इट हेयर फाइव हंड्रेड रुपीज़ का लॉस हुआ है एबनॉर्मल पर दैट मीन्स पुअर सेलिंग लाइन के जो प्रोडक्ट्स से है उनकी सेल पर तो फाइव हंड्रेड हमने इसी कॉलम में लिखा इस पर हमें कोई लॉस नहीं है तो टोटल आ गया फाइव हंड्रेड रुपीज़ दो हज़ार के गुड्स को आपने फाइव हंड्रेड रुपीज़ में सेल आउट फाइव हंड्रेड रुपीज़ के लॉस पर सेल आउट किया है इसका मतलब क्या है कि फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ का आपका लॉस हुआ है तो आपने गुड्स इसका मतलब फ़िफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ में सेल आउट किए हैं मतलब दो हज़ार की चीज़ को आप पाँच सौ रुपये लॉस पे सेल कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि आपने दो हज़ार की चीज़ को पंद्रह सौ रुपये में बेचा है यस तो हमने जो टू थाउजेंड की कॉस्ट थी उसमें फ़ाइव हंड्रेड का लॉस माइनस कर दिया तो हमारी सेल वैल्यू आ जाएगी फ़िफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ दो हज़ार की कोई भी चीज़ है आपके पास आप पाँच सौ के लॉस पर उसे बेच रहे हो इसका मतलब है आप उसे पंद्रह सौ रुपये में बेच रहे हो माइनस कर दोगे कॉस्ट में लॉस माइनस होता है देन वी गेट द सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया पुअर सेलिंग लाइन का फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ तो इसका मतलब एक लाख बीस हजार के जो टोटल गुड्स की सेल हुई है इसमें से पंद्रह सौ रुपये की सेल पुअर सेलिंग लाइन प्रोडक्ट्स की है तो नॉर्मल गुड्स की सेल कितनी हो गई वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस फिफ्टीन हंड्रेड देन वी गॉट सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स वन लैख एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब एबनॉर्मल जो गुड्स थे पोअर सेलिंग लाइन के जो गुड्स थे उन पे तो हमें 500 का लॉस हुआ है बट नॉर्मल गुड्स पे तो हमें हम प्रॉफिट पे ही उसे सेल आउट करते हैं और कितना प्रॉफिट पे सेल आउट करते हैं 25 परसेंट जो हमने लास्ट ईयर कैलकुलेट की है तो इसीलिए हमेशा जीपी किस पे कैलकुलेट होता है नॉर्मल गुड्स की सेल पे क्योंकि जो डैमेज गुड्स हैं वो कॉस्ट पर या कॉस्ट से कम पर ही सेल होते हैं प्रॉफिट पे तो हो नहीं सकते बट जो नॉर्मल गुड्स हैं नॉर्मल गुड्स पे हम प्रॉफिट एड ऑन करके ही ही सेल करते हैं क्योंकि बिजनेस का मोटो ही प्रॉफिट मेकिंग है तो आप वन लैख एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की जो सेल की है उस पर ट्वेंटी फाइव परसेंट आपका जीपी रेट है सो जीपी आ जाएगा नॉर्मल गुड्स पे ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और अब नॉर्मल पे तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि लॉस ही हुआ उस पर तो फाइव हंड्रेड रुपीज़ का तो ये टोटल आ गया ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अब हमने देखो सब कुछ कैलकुलेट कर लिया अब क्लोजिंग स्टॉक ही हमारा रह गया है तो आप डेबिट साइड का वन बाय वन कॉलम का टोटल करेंगे और क्रेडिट की का माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे तो हमने यहाँ देखो नॉर्मल गुड्स के कॉलम का टोटल किया वन लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और इसमें से ये क्रेडिट की दोनों आइटम माइनस करके हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया बैलेंसिंग फिगर से थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ऑफ दी नॉर्मल गुड्स इसी तरह से हम एबनॉर्मल गुड्स का टोटल करेंगे फोर थाउजेंड और उसमें से ये दोनों आइटम माइनस करके बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक रह गया एबनॉमल गुड्स का टू थाउजेंड रुपीज़ लाइक दिस टोटल कॉलम का भी टोटल करेंगे हम डेबिट साइड का और क्रेडिट की दोनों आइटम माइनस करके देन वी गेट टोटल क्लोजिंग स्टॉक थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सा स्टॉक है स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर ऑन फिफ्टीन ऑफ सितंबर टू थाउजेंड एटीन का ठीक है पंद्रह सितंबर दो हज़ार अठारह का आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल गया कि जब आग लगी तो इतना स्टॉक गोडाउन में पड़ा था नॉर्मल गुड्स पड़े थे थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव की कॉस्ट के और टू थाउजेंड रुपीज़ कोस्ट का माल पड़ा था डैमेज गुड्स का और टोटल स्टॉक कितना पड़ा था थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ये हमारा स्टेप वन कम्प्लीट हो गया दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ध्यान से इसका हर एक स्टेप को आपने लर्न करना है अब हम बात करेंगे स्टेप टू पे स्टेप टू में हम निकालेंगे लॉस ऑफ स्टॉक लॉस ऑफ़ स्टॉक का मतलब है कि स्टॉक गोडाउन में जितना पड़ा था उसमें से एक्चुअली कितना डिस्ट्रॉय हुआ है बाय द फायर अ स्टॉक एट दी डेट ऑफ फायर तो पड़ा था गोडाउन में नॉर्मल गुड्स का पड़ा था थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और एबनॉर्मल गुड्स का पड़ा था फोर थाउज टू थाउजेंड रुपीज़ जो अभी हमने यू नो स्टेप वन में कैलकुलेट किया है 34,625 नॉर्मल गुड्स का स्टॉक और एबनॉमल गुड्स का स्टॉक है टू थाउजेंट रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एबनॉमल गुड्स को कम पे वैल्यूड करती है उसकी कॉस्ट से कम पे वैल्यू कर रही है अगर कम पे वैल्यू कर रही है मान लो ये 50 परसेंट पे से वैल्यू कर रही होती तो 2000 थाउजेंड इंटू फिफ्टी परसेंट वन आ जाता तो आपका टोटल वैल्यू ऑफ़ द स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर कितना होता है थर्टी फोर सिक्स टू फाइव प्लस वन थाउजेंड इज इक्व टू थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव है ना तो आपकी स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर की एक्चुअल वैल्यू वही होती जो इंश्योरेंस कंपनी लगा रही है क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है डैमेज गुड्स की वैल्यूशन टाइम्स कॉस्ट से कम पर करती है तो अगर कम पे कर रही है तो हमें भी कम पे करना होगा बिकॉज ऑफ़ आ, हमें आ, जो क्लेम जो देने वाली है वो इंश्योरेंस कंपनी ही देने वाली है तो ये सारी कैलकुलेशन इंश्योरेंस कंपनी ही कर रही है तो वो हम स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर वही कैलकुलेट करेंगे वैल्यू जो इंश्योरेंस कंपनी ने लगाई है लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि एबनॉर्मल गुड्स को उसने कॉस्ट पर ही वैल्यू किया है नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊँ दिखाऊंगी भी कि कैसे उन्होंने एब्नॉर्मल लॉ गुड्स जो पड़े हैं पोअर सेलिंग लाइन के गुड्स उसको इंश्योरेंस कंपनी ने कॉस्ट से कम पर उसकी वैल्यू एस्टीमेट की है तो उसको हम यहाँ देखो जितनी वैल्यू उसकी एस्टीमेट होती है वो वैल्यू हम यहाँ लिख कर नॉर्मल गुड्स की वैल्यू में ऐड करके एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर निकालते हैं और दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंश्योरेबल अमाउंट या और पॉलिसी टू बी टेकन ठीक है लेकिन इसमें इसने बोला है कि नॉर्मल गुड्स को तो हमेशा कॉस्ट पर वैल्यूट करते हैं और एबनॉर्मल लॉस भी इस बार इंश्योरेंस कंपनी ने कॉस्ट पे ही इसकी वैल्यू एस्टीमेट की है कंपे नहीं की तो हमने इसलिए यही ले ली और टोटल आपका स्टॉक एट द डेट ऑफ़ फायर की कॉस्ट और वैल्यू सेम ही आ गई थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव दिस इज़ आल्सो कॉल्ड इंश्योरेबल कॉस्ट कि इतनी इंश्योरेंस इंश्योरेंस हमें करवानी चाहिए थी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू इतनी हमारी पॉलिसी वैल्यू होनी चाहिए थी लेकिन अब देखो सालवे स्टॉक अब स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर जब आग लगी थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव का माल पड़ा था गोडाउन में जब आग लगी बट इसमें से फाइव थाउजेंड का माल जलने से बच गया दैट मीन्स डिस्ट्रॉय होने से सेव से हो गया डिस्ट्रॉय नहीं हुआ दैट इज़ कॉल्ड सॉलवेज स्टॉक फाइव थाउजेंड का माल बच गया तो इसलिए एक्चुअल लॉस कितना हुआ है स्टॉक का थर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज़ ये एक्चुअल लॉस ऑफ द स्टॉक आ गया अब इंश्योरेंस कंपनी ने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि एक्चुअल कितना लॉस हुआ है स्टॉक का एट दी डेट ऑफ फायर तो अब वो कंपनसेशन निकालेगी अमाउंट ऑफ क्लेम तो हमारा थर्ड स्टेप है अमाउंट ऑफ क्लेम अमाउंट ऑफ क्लेम आप कैसे निकालते हो अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना है जो आपकी पॉलिसी वैल्यू है दैट इज गिवन इन क्वेश्चन आई विल शो यू पॉलिसी वैल्यू इज गिवन थर्टी थाउजेंड रुपीज़ तो आपने कंपनी के पॉलिसी जो करवा रखी है इंश्योरेंस की दैट इज थर्टी थाउजेंड रुपीज़ उसको हमेशा कंपेयर करना है आपने स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर से क्योंकि ये आपकी इंश्योरेबल कॉस्ट होती है कंपनी ये कहती है कि अगर आपका इंश्योरेंस स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर जिसको हम इंश्योरेबल अमाउंट भी बोलते हैं से ज़्यादा है मान लो पॉलिसी कराई होती फोर्टी थाउजेंड की तो जितना पूरा लॉस मिला है उतना सॉरी जितना पूरा लॉस हुआ है स्टॉक का वो पूरा क्लेम एज़ अ कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी दे देती तो हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम कितना निकल जाता थर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे इस क्वेश्चन में है थर्टी थाउजेंड रुपीज़ है और आपका स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर है जो वैल्यू आई है दैट इज़ थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फ़ाइव तो ये जो है इंश्योरेंस पॉलिसी इससे कम है मतलब आपने स्टॉक तो पड़ा था गोडाउन में एट द डेट ऑफ फायर थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और आपने पॉलिसी करवाई है कम थर्टी थाउजेंड रुपीज़ की ही कराई है तो इंश्योरेंस पॉलिसी कहती है अगर आपने पॉलिसी कम कराई है तो हम आपका लॉस ऑफ स्टॉक भी उतना ही प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर देंगे एज अ कंपनसेशन कंपनसेशन भी हम ऐसे ही कम देंगे उसके लिए हम एवरेज क्लॉज का यूज़ करेंगे तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ देखो नोट में लिखवा भी दी है कि इंश्योर जो हमारी इंश्योर्ड अमाउंट है थर्टी थाउजेंड रुपीज़ इज़ लेस देन द इंश्योरेबल अमाउंट जो कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर होता है जो हमारा निकला है थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फ़ाइव तो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है इससे कम है इसलिए अमाउंट ऑफ क्लेम जो है निकालते टाइम हमारा कंपनसेशन भी लॉस ऑफ स्टॉक से कम हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली तो उसके लिए हम क्या करेंगे एवरेज क्लॉस का यूज़ करेंगे अब वो एवरेज क्लॉस क्या है ये देखिए एवरेज क्लॉज का है कि आपने थर्टी थाउजेंड रुपीज़ की पॉलिसी कराई है अगेंस्ट द स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फ़ाइव तो आपका लॉस भी उसी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा थर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव का भी लॉस उसकी उसी प्रोपोर्शन में हम कम करेंगे दैट मीन्स क्लेम कितना कंपनी देगी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर रुपीज़ का क्लेम एज अ कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस को देगी जो उसका लॉस हुआ था उसके अगेंस्ट तो अमाउंट ऑफ क्लेम का जो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला है दैट इज़ इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट जो कि स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर है इनटू लॉस ऑफ स्टॉक तो इंश्योर्ड अमाउंट तो थी थर्टी थाउजेंड और इंश्योरेबल अमाउंट दैट मींस वैल्यू ऑफ द स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर थर्टी और लॉस ऑफ स्टॉक है थर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सो इस कैलकुलेशन को आप परफॉर्म करेंगे देन वी गॉट अमाउंट ऑफ क्लेम एज अ कंपनसेशन अगेंस्ट द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर दैट इज़ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर रुपीज आई होप यू क्लियर ऑल द कंसेप्ट अगेंस्ट द इंश्योरेंस क्लेम अगर कोई भी कोई डाउट है कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे कैलकुलेट करती है क्लेम अगेंस्ट द लॉस बाय फायर तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ओके टिल देन बाय